अस्सलाम वालेकुम। क्रिएटिव राइटिंग कोर्स के इस सेशन में मौजू है प्रोनाउंस, यानी वो अल्फाज जो हम नाउन को बार बार इस्तेमाल करने की बजाय इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में, जैसे कि ही, शी, इट, दे, देम वगैरह। कुछ मिसालें ये हैं इनकी, आई, यू, ही, शी, इट, दे। उसके अलावा माई, योर, हिज, हर, देयर, जिसमें कि ओनरशिप दिखाई जा रही है या किसी चीज़ का ये बताया जा रहा है कि किसको बिलोंग करती है, वो प्रोनाउंस होते हैं। इंस्टेड ऑफ सेइंग के हर दफ़ा आप कहें उज़्माज बुक, आप कहेंगे हर बुक एक दफ़ा कहने के बाद, ठीक है। और आई एम श्योर यू हैव सीन हाउ दिस इज़ यूज्ड एज वेल। उसके बाद मी, हिम, हर, हिम, अस, देम, तो ये सारे प्रोनाउंस होते हैं। कुछ इसकी मिसालें कि ये कैसे यूज़ हो सकते हैं। द मोमेंट अहमद हर्ड द डोर हैंडल टर्न, ही टर्न्ड ऑफ द टी वी। उसके कोई शायद पेरेंट्स आ गए या कोई आ गया तो उसने जल्दी से टी वी बंद कर दिया। तो इसमें भी जैसे बाकी ग्रामर की डिवाइसेज हैं, देर इज़ अ करेक्ट वे टू यूज़ इट, देर इज़ एन इनकरेक्ट वे टू यूज़ इट, और उसके अलावा फिर यू कैन गो क्रिएटिव विथ इट एज लॉन्ग एज यू आर बीइंग करेक्ट। तो इसमें इसी तरह ये जुमले को अगर पलट के भी लिखें तो वो भी करेक्ट हो गए, दैट्स ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग वे ऑफ सेइंग इट। बजाय इसके कि आप उस तरह सीधा सीधा लिखें, आप लिख दें द मोमेंट ही हर्ड द डोर हैंडल टर्न, पहले आपने प्रोनाउन यूज़ किया, अहमद टर्नड ऑफ द टी वी। तो प्रोनाउन पहले भी आ सकते हैं और नाउन बाद में, ज़रूरी नहीं है कि नाउन ही पहले आए, पहले ही अहमद हो और फिर दूसरी बार में आप ठीक हैं। तो इसको आप पलट के भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि निशानदही तो हो ही जा रही है, आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि वो शख्स कौन है, हु इज़ ही, अहमद, तो उसी सेंटेंस में आपने ये बता दिया, बेशक शुरू में बताएं या आखिर में। उसके अलावा ये कि प्रोनाउंस ऐसे यूज़ नहीं होने चाहिए कि रीडर कन्फ्यूज हो जाए। जैसे ये जुमला सुनिएगा, इट वॉज शीनाज बर्थडे एंड नीलो गेव हर अ ब्लू कार्डिगन, इवन दो शी हैडन्ट लाइक्ड इट हरसेल्फ येट शी गेव इट टू हर। अब इसमें शी हर बहुत सारा हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही, तो ज़रूरत है कि बीच में कोई सा नाउन दोबारा से यूज़ कर लें ताकि कुछ पता लगे कि क्या हो रहा है। इट वॉज शीनाज बर्थडे, नीलो गेव हर अ ब्लू कार्डिगन, इवन दो शी हैडन्ट लाइक्ड इट हरसेल्फ येट शी गेव इट टू शीना। तो शीना का नाम आ गया, इससे हमें पता लग गया कि जो जिसने दिया है वो नीलो की बात हो रही है। सो टू मैनी प्रोनाउंस ऑल्सो मेक थिंग्स कन्फ्यूजिंग। हाँ ठीक है, आपने नाउंस बार बार यूज़ नहीं करने, बट यू हैव टू यूज़ देम टू द एक्सटेंट कि पढ़ने वाले को आपकी बात समझ में आ जाए। अच्छा, कुछ जो हैं प्रोनाउंस, प्रॉपर नाउंस को जब हम यूज़ करते हैं तो बार बार एक ही नाउन यूज़ करने की बजाय हम उसको किसी और तरह से भी कह सकते हैं। अक्सर ये प्रोनाउंस में स्ट्रिक्टली नहीं आता, लेकिन क्योंकि हम बात ये कर रहे हैं कि नाउन को रिपीट करने के अलावा क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, तो उसमें ये मैंने डाल दिया, हालांकि ये टेक्निकली प्रोनाउन नहीं है। तो अगर आप आर्टिकल लिख रहे हैं इस्लामाबाद के बारे में, सो यू कैन से इस्लामाबाद गॉट रेकॉर्ड रेन्स दिस समर। अब आपने अगले जुमले में दोबारा से इस्लामाबाद नहीं कहना, तो आप कहेंगे द वेदर इन द फेडरल कैपिटल हैज़ बिन प्लेजेंट ड्यू टू द रेन्स। तो पहले आपने इस्लामाबाद का, दूसरी बार आपने देयर कहने के बजाय आपने द फेडरल कैपिटल कह दिया, ठीक है, या द सिटी नेक्स्ट टू द मरगलाज कह दें, या आप कोई और चीज़ कह सकते हैं। इसी तरह अगर आप जैसे सिंगर नूरजहां की बात करें, सिंगर नूरजहां हैज़ गिवन अ रिकॉर्ड नंबर ऑफ सॉन्ग्स टू पाकिस्तानी सिनेमा, शी रिमेंड पॉपुलर फॉर डेकेड्स, इवन आफ्टर हर डेथ द सिंगिंग डीवा, शी के बजाय हमने इस दफ़ा सिंगिंग डीवा यूज़ कर लिया, द सिंगिंग डीवा सॉन्ग्स कंटिन्यू टू बी इन्जॉयड। तो ये इस तरह से भी आप उसकी कोई और, उस शख्स का नाम बार बार लेने के बजाय प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं, या नाम बार बार लेने की बजाय कोई आप उसकी डिस्क्रिप्शन या कोई इंटरेस्टिंग टाइटल उसका, जैसे यहाँ पे हम मलका तरनम या द मेलेडी क्वीन भी यूज़ कर सकते थे नूरजहाँ के लिए, विच इज़ अ नेम बाय विच शी इज़ लविंगली नोन ऑल्सो। कुछ कॉमन एरर्स, अहमद एंड मी वेंट टू द एयरपोर्ट, जब दो लोग होंगे तो एंड मी नहीं यूज़ होता, उसमें यूज़ होगा अहमद एंड आई वेंट टू द एयरपोर्ट। ये भी एक गिव अवे है, ये एकदम से इससे पता लग जाता है कि किसकी इंग्लिश पे कमांड बेहतर है, किसकी कमज़ोर है, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी वेरी कॉमन एरर। कुछ एडिशनल टिप्स हैं, ही और शी कैन बी यूज्ड फॉर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। कुछ मिसालें ये हैं, जैसे कि अपने मुल्क की जब बात हो, या किसी कश्ती की या किसी गाड़ी की, उसके लिए शी भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको इट ही कहें। वैसे तो आपको अगर रूल्स पढ़ें तो यही होगा ना कि ही शी इंसानों के लिए और इवन जानवरों के लिए या चीज़ों के लिए इट यूज़ होता है, लेकिन उनमें भी कई दफ़ा आप ही और शी यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली शी इज़ यूज्ड मोर जो चीज़ें, स्पेशली जो चीज़ें नर्चरिंग हैं, जैसे कि आपका होमलैंड है, मदरलैंड भी उसको कहते हैं, तो उसके लिए फिर शी या हर के आप प्रोनाउंस यूज़ कर सकते हैं। बच्चों के टॉयज़ हैं, टेडी बेयर्स हैं,
you can treat them like they're living things and you can talk about them in that way. They is now used when the identity of a person is not known. तो अगर वो singular भी है, तो अगर एक शख्स भी है, तो उसके बारे में अगर बात करें, तो आप he या she के बजाय आप they use करेंगे, क्योंकि आपको ये मालूम नहीं है. जैसे अगर कोई मेरी चीज गुम गई है, तो मैं कहूँगी whoever took my book, I request that they bring it back to me. वो एक शख्स ही लेके गया मेरी चीज, लेकिन मैं they कहूँगी बजाय ये कहने कि he bring it back या she bring it back.